शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने युवाओं से अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति और विधाओं को संजोकर रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। वो शिमला के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होती है और इसी के माध्यम से युवा अच्छे नागरिक बनते हैं। शिमला के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट ने अपना वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देवभूमि में मूर्ति कला हमेशा ही बहुत समृद्ध रही है और हमें इस कला को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कला क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने से स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से सुनिश्चित होती है, इसलिए अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने होंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल व अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है और उनमें नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि देश और प्रदेश की प्रगति के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा जा सके। यहाँ पर जो इन्होंने एग्जीबिशन लगा रखी है उसको देखने के बाद हम जो है समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फाइन आर्ट्स कॉलेज की कितनी आवश्यकता है। छोटे से स्थान पर जो कोटशेरा कॉलेज हमारा डिग्री कॉलेज है उसी में इनको स्थान उपलब्ध कराया गया है और उसमें रहते हुए भी हमारे विद्यार्थियों ने जो है बहुत अच्छा काम जो है यहाँ पर प्रारंभ भी किया है और सीखने का प्रयास भी किया है, जिसके लिए इनके जो अध्यापक हैं वो भी और इनके प्रधानाचार्य और विद्यार्थी सभी जो हैं बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक देवभूमि कहलाता है। यहाँ पर बहुत से इस प्रकार के जो हैं वो कलाएं थी जो शायद कालांतर में जो है वो लुप्त प्राय होती जा रही हैं। जैसे यहीं पर हम जहाँ खड़े हैं ये स्कल्पचर्स का जो एक डिपार्टमेंट है इसमें अष्टधातु की मूर्तियाँ हिमाचल प्रदेश के सभी स्थानों में गांव-गांव में आपको जो देवता हैं हमारे उनकी मूर्तियाँ जो है वो अधिकांश अष्टधातु की आपको मिलेंगी। तो इस कला को जो है वो जीवित रखना और अगली जनरेशन तक पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों में अव्वल प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्हें संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। कार्यक्रम में शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।